टॉपर लेने की रहने वाली मंत्रा मंगेश कुरोई ने 10 साल की उम्र में नेशनल स्विमिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। मंत्रा फादर एंगल स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा है। इस प्रतियोगिता के जीतने के लिए मंत्रा ने बहुत परिश्रम किया। अवाज टुडे ने मंत्रा, मंत्रा की फैमिली और मंत्रा के कोच से जाकर उसके हासिल किए हुए मुकाम के बारे में जानकारी ली। मेरा नाम मंत्रा है, मंत्रा मंगेश कुरे है। मैं अपने कोच, पेरेंट्स और फादर अल्मेडा को थैंक यू करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फर्स्ट आई हूँ। मंत्रा यहाँ पे स्विमिंग 4.5 साल से कर रही है और वो सी स्विमिंग में काफ़ी बार उसने पार्टिसिपेट किया है। लास्ट ईयर में भी उसको निवती में फर्स्ट आई थी। 152 अंडर 12 के बच्चे थे, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स में फर्स्ट आई थी। तो अभी भी उसका जो कैरेंजुलम बीच में जो स्विमिंग कॉम्पिटिशन था ओपन वाटर, उसमें भी लगभग कुछ 80 बच्चे थे, जिसमें ओपन कैटेगरी भी के लोग भी थे, तो उन सब में मंत्रा फर्स्ट आई है। उसने 2 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो सबसे फर्स्ट पार किया हुआ है। मंत्रा को सी स्विमिंग में जितना उसको इंडोरेंस स्विमिंग में इंटरेस्ट है, उससे उतना ही उसे सी स्विमिंग में इंटरेस्ट है। लेकिन उसको यहाँ पे इस मुकाम तक लाने के लिए गोकुल सर, अमित सर, फादर अल्मेडा और यहाँ की जो टीम है उनका सबका ही सहकार्य मिला है। उनके सहकार्य के बिना मंत्रा आज ये अचीवमेंट नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मंत्रा ये फादर एग्नल स्विमिंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की एक मेंबर है और उनको बहुत अच्छे कोचेस मिले हुए। मंत्रा एट द एज ऑफ 4.5 ईयर से स्विमिंग कर रही है। पहले तो एक शौक के लिए हम लोग स्विमिंग करते थे, फिर बाद में उनके कोचेस नहीं, संदीप सर है, उन्होंने ही बताया कि नहीं मंत्रा अच्छा कर सकती है करके। तो फिर बाद में जब भी अमित सर के पास, तो उन्होंने उनको बेसिक सिखाया था उन्होंने, और फिर बाद में वो अमित सर के पास आने के बाद अमित सर ने उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की। अभी अमित सर, गोकुल सर दोनों भी उसका ट्रेनिंग लेते हैं और मंत्रा इंडोरेंस में भी काफ़ी अच्छा करती है। मंत्रा सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा, ऐसे 4 घंटा रोज स्विमिंग की कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस करती है। खुश तो बहुत हूँ मैं, फर्स्ट आई है। उसका ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो ट्रेनिंग में काफ़ी सपोर्ट करती है। जैसे कि हम लोगों ने मीन्स उसको 4 साल से जो मेहनत की है, ओके, तो 4 साल के मेहनत के बाद वो फर्स्ट आई है और वो पहले भी आ चुकी है फर्स्ट, तो मीन्स कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो बार बार वो मोटिवेट हो रही है। बैक टू बैक उसको अचीवमेंट मिल रहा है। इवन हमारे सीनियर बैच में भी काफ़ी बच्चे इतने अचीवमेंट्स ले चुके हैं, तो उनमें वो जो एक उसने उसका एक स्थान मीन्स क्रिएट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वैसे वो बहुत अच्छी स्विमर है और उसके पेरेंट्स के बिना या फिर जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के जो बॉस है, मेन एक्चुअल बॉस जो फादर अल्मेडा है और गोकुल कामत जी है, जिन जो हमारे हेड कोच है, गोकुल कामत जी शिव छत्रपति अवार्डी है, तो उनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो हमें फ्रीडम दिया है कोचिंग के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आज उसकी वजह से वो मंत्रा इतना कुछ कर पाई है। फादर एग्नल के स्टूडेंट है वो, काफ़ी फादर एग्नल का टीम हमारा काफ़ी बड़ा है। अभी हाल ही में जो स्टेट कंपटीशन हुआ है नागपुर में, वो सीनियर्स के लिए था। वो सीनियर स्कूल स्टेट में भी काफ़ी लोग बच्चे आ चुके हैं, वो नेशनल के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। बट अभी मंत्रा जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रही है, जो मीन्स अचीवमेंट वो लेके वो उनमें मीन्स शामिल हो रही है, तो हम लोग अभी देखेंगे कि ये आगे चलने के बाद वो कंपटीशन में, वो नेशनल सी स्विमिंग में तो कर रही है, अभी स्विमिंग कंपटीशन में जो स्विमिंग पूल में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी हमारे बहुत सारे कोशिशें चालू है कि वो उधर भी अचीवमेंट ले। मंत्रा के लिए तो इतना ही है कि वो ट्रेनिंग और अच्छे से करें, ऑल सेशंस अटेंड करें जैसे वो हाल ही में करती आई है,
और खाली कभी कभी जो इश्यूज़ होते हैं अच्छा मीन्स बाहर जाने के बाद कंपटीशन में जो अच्छा फूड नहीं मिलता है, रेस्ट नहीं मिलता है, तो उसका थोड़ा बहुत ध्यान रखें ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्र ऐश्वर्या जाधव यमुना का रिपोर्ट।